मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बीजेपी ने बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। करारी से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत, रामगढ़ सीट से पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को कैंडिडेट घोषित किया गया। वहीं एनडीए ने 4 विधानसभा सीट में से 3 पर अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। गया जिले के इमामगंज सीट जीतन राम मांझी की हम पार्टी के हिस्से में आई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपनी बहू दीपा मांझी को यहां से उम्मीदवार बनाए हैं और उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। तो आपको बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसमें उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है। और जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की राजनीति में एंट्री हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दीपा मांझी उपचुनाव में गया के इमामगंज से एनडीए की उम्मीदवार होंगी। हम के उम्मीदवार दीपा मांझी के नाम पर सहमति बन गई है। एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा होगी। 22 अक्टूबर को एनडीए उम्मीदवारों की घोषणा होनी है। एनडीए के सभी घटक दलों के साथ उम्मीदवारों की घोषणा होगी। दीपा मांझी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन की पत्नी हैं। दीपा मांझी पार्टी में सक्रिय भूमिका अदा करती हैं। पति संतोष कुमार सुमन के चुनावी कैंपेन में भी हिस्सा लेती रही हैं। और हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्णिया पहुंचे हुए हैं। पूर्णिया के पॉलिटेक्निक चौक स्थित मनसिद्धिनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब ओबीसी मुस्लिम को एक करने की बात करते हैं, तेजस्वी यात्रा निकालते हैं, तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन जब हम हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। सीमांचल में दंगा करने नहीं रोकने आए हैं। जब ओबीसी कहें कि मुसलमान एक हो तो किसी के पेट में दर्द नहीं, जब तेजस्वी यात्रा करें मुस्लिम को संगठित करने तो किसी के पेट में दर्द नहीं, जब हम हिंदू यात्रा कहें हिंदू स्वाभिमान तो पेट में दर्द क्यों। हमें इन बेटियों की भी चिंता है, इन बच्चों को की भी चिंता। मैं दोनों की चिंता करने आया हूं। मैं दंगा करने नहीं, दंगा करने वालों को रोकने के लिए। और गिरिराज की यात्रा पर सियासत जारी है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर गिरिराज सिंह ने नफरत पैदा की तो कोसी और सीमांचल में उनकी यात्रा को गुजरने नहीं देंगे। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह को मेरी लाश पर यात्रा करनी होगी। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि गिरिराज माहौल को खराब कर रहे, तो बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि हर किसी को यात्रा का मौलिक अधिकार है। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा, नफरत पैदा किए तो। एक नफरत पैदा किए तो पप्पू यादव बढ़ा ले, बढ़ के वो दिखा दे हमको, मेरे लाश पर होके गुजरना पड़ेगा उसको। नफरत पैदा करेगा तो एक कदम निकलने नहीं देंगे। लड़ाई होगा पप्पू यादव, लाश पर बैठेंगे सोएंगे, जिसको गुजरना होगा मेरे मौत पर गुजरेगा। राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है, प्रत्येक पार्टी का अपना अधिकार है, और माननीय केंद्रीय मंत्री अगर कहीं भी जा रहे हैं तो इससे सबों को खुशी होनी चाहिए। क्षेत्र में संवाद करना, लोगों के पास अपनी बात रखना, यह तो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो वो केंद्रीय मंत्री का मौलिक अधिकार कैसे नहीं है। अगर आपने संविधान का शपथ लेकर के ये तय कर लिया है कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाएंगे और लोगों में भय पैदा करेंगे, लोगों में करुणा पैदा करेंगे, लोगों में पक्षपात करेंगे, तो आपको केंद्रीय मंत्री रहने का कोई हक नहीं। और जेडीयू कार्यकर्ताओं पर शराब बेचने के तेजस्वी के आरोप पर सियासत जारी है। मद्यनिषेध और उत्पाद मंत्री रत्नेश सदा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ लीगल नोटिस जारी करेंगे। रत्नेश सदा ने कहा कि तेजस्वी को जवाब देना होगा। जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं पर वो इतना गंभीर आरोप कैसे लगा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने पोस्ट कर कहा था कि जेडीयू कार्यकर्ताओं की मिली भगत से शराब बेचने का काम चल रहा है। सोमवार को लीगल नोटिस जारी करेंगे, लीगल नोटिस जारी करेंगे जो कौन जेडीयू का नेता, कौन मंत्री जो शराब कांड में संलिप्त है,
वो हमको जवाब दे। और गया से बड़ी खबर आ रही है, गया एयरपोर्ट से बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है। बौद्ध भिक्षु के वेश में बोधगया मंदिर परिसर में रह रहा था, 8 साल से नाम बदलकर रह रहा था राजीव धर। गया एयरपोर्ट प्रशासन ने मगध मेडिकल थाना की पुलिस को सौंपा। गया एयरपोर्ट से बैंकॉक जाने के दौरान सीआईएसएफ जवानों ने उसे पकड़ लिया है। लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया था, कई नामों के पासपोर्ट बरामद किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां बांग्लादेशी नागरिक बौद्ध भिक्षु बनकर गया में रह रहा था। और अगली खबर मोतिहारी से आपको बताएं, जहां सरकारी स्कूल में शराब का उदाहरण देकर छात्रों को हिंदी पढ़ाई जा रही है। ढाका प्रखंड के जमुआ मिडिल स्कूल में छात्रों को हिंदी की पढ़ाई के दौरान ब्लैक बोर्ड पर शराब का उदाहरण दिया गया। स्कूल में बच्चों को हाथ पांव फूलने का मतलब पढ़ाया जा रहा, समय पर शराब का ना मिलना। बच्चों को पढ़ाया गया हाथ पांव फूलने का मतलब समय पर शराब का नहीं मिलना, करीजा ठंडा होने का मतलब पैक गले से नीचे उतरना, नेगी कर दरिया में डाल का मतलब होता है फ्री में दोस्तों को पिलाना। न्यूज 18 की टीम जमुआ मिडिल स्कूल पहुंची तो प्रधानाध्यापिका ने बोर्ड पर शराब की पढ़ाई की बात को सही बताया। वहीं छात्रों ने कहा कि महिला टीचर विनीता कुमारी ने ब्लैक बोर्ड पर शराब का उदाहरण देकर मुहावरे को समझाया। वहीं बीईओ ने कहा कि शिक्षिका पर कार्रवाई को लेकर विभाग में पत्र लिखा जाएगा, लेकिन आरोपित शिक्षिका ने सभी आरोपों को निराधार बता दिया है। तो हम गए देखे, हम उन विनीता कुमारी को बोले कि आप गलत शब्द पढ़ाए, और बच्चे को भी बोले कि आप मत लिखिएगा, ये गलत शब्द मैं पढ़ाई है, आप घर पर भी नहीं बोलिएगा। और तो वो हमको अभद्र भाषा से प्रयोग किया कि आप ये बहुत गलत भाषा जो हम बोल नहीं सकते हैं आपको, और कभी भी वो आती है तो सर पढ़ाने के भी उसे नहीं आती। उसने कहा था कि दाल ना मिलने की वजह से देहात खुलना और दोस्तों सब नादा दारू देने की वजह से। कौन लिखी थी, कौन पढ़ा, कौन था मैं? उस पर जो है कि डीओ सर के द्वारा यह कहा गया कि उनका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी लीजिए, पाठ्टिका का भी जीरोक्स लीजिए, लेकिन उनके द्वारा जो आज जवाब दिया गया है उसमें यह चीज़ नहीं दिया गया है। और साथ ही वह वहाँ के एचएम को आरोपित की हैं, हमको भी आरोपित की हैं। हमारे साथ वो शिक्षिका हैं जिन पर आरोप है कि इन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जो मुहावरा बताया था और बच्चों को पढ़ाया था उसको लेकर शिक्षा विभाग शर्मसार हुआ। मैडम आप पे आरोप है कि आपने क्या बता दिया था, क्या ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया था सर आपके बारे में? सर, मैं लिखी ही नहीं सर, वो सुलेखा कुमारी के द्वारा लिखा गया एचएम प्रभारी। और क्यों लिखेंगे आपके बारे में? वो सर पहले से लिखी हुई है, 6 महीना पहले से हमको डरा रही है कि हम दे देंगे। आपने सॉरी भी लिखा है डीओ को जो आपने भेजा है उसमें सॉरी नहीं? वो तो धमकी से डीओ साहब डराए हमको कि डिसमिस कर देंगे, आप ऐसे कैसे कर दिया। वो हड़बड़ा करके, हम अपने राइटिंग में नहीं लिखे हैं, कहीं से आया, हम इसको भेजे ब्लैक बोर्ड वाला, उसके बाद से वो कहीं से आया तो हम व्हाट्सएप उनको कर। फंसा रहा है कोई? फंसा रहा है, बिल्कुल फंसा रहा है, बिल्कुल। देखिए भले ही शिक्षा विभाग को लेकर बेहतर काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की लड़ाई झगड़े दिखने को मिल रहा है स्कूलों में, इससे शिक्षा जरूर संसार हो रहा है, शिक्षा विभाग भी संसार हो रहा है। और खासतौर पर बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी की अलग व्याख्या होकर ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, इससे यह चिंता का विषय जरूर है, आने वाले समय में यह जाँच का विषय जरूर है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है उससे बिहार शर्मसार हुआ है। उनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की विमान की जांच की गई है, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद चेकिंग में कुछ भी नहीं मिला और ऐसे में माना जा रहा है कि मैसेज फेक था। दरभंगा एयरपोर्ट से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास। एक फ्लाइट हुई है जैसा मैंने बताया जो स्पाइस जेट की है, एक और फ्लाइट है उस पर कोई थ्रेट कॉल या ऐसा कुछ नहीं आया था। ये भी है एस्टेब्लिश हो चुका है, ये एक हुक्स कॉल था एक स्पाइस जेट के, तो इसमें टैग किया गया था और 5 फ्लाइट्स की इसमें विवरणी थी, कहा गया था कि इसमें बॉम्ब प्लांट किए गए हैं, लेकिन फ्लाइट सेफली लैंड हो चुकी है, पैसेंजर्स बाहर जा चुके हैं। देश भर के 9 विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और फिर एक बार दरभंगा एयरपोर्ट से भी, जो एयरपोर्ट स्पाइस जेट के विमान यहाँ से दरभंगा से मुंबई जाती है उसमें भी बम होने की खबर आई, जिसके बाद तुरंत एक्शन में आए और एसडीपीओ सहित
SDO भी मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास भी होना है दरभंगा एयरपोर्ट को, उसको लेकर भी हाई लेवल मीटिंग चल रही है। लेकिन जो बम से उड़ाने की अफवाह आने के बाद सारे अधिकारी एयरपोर्ट रनवे की तरफ निकले हैं और वहां जो स्पाइस जेट के दो विमान यहां पर आए हुए हैं उसकी जांच भी की जा रही है। वहीं SDPO जो खुद यहां पहुंचे थे उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि थ्रेट मिली है और इसकी संभावना जो भी है उस हर बिंदु से उसकी जांच की जा रही है और खुद उन्होंने बयान देते हुए एयरपोर्ट के अंदर गए हैं और सारी जानकारी जुटाने में लग गए हैं। आपको बता दें कि ये दूसरी बार एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी खबर है जिसके बाद पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है और देखा जाए तो ये बम की जो खबर आई है उससे कहीं ना कहीं पूरे पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। विपिन कुमार, न्यूज 18।